दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में इवाग्रो क्रीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, डोज क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए इवाग्रो एक ब्रांड नेम है टोरेंट कंपनी का, टोरेंट कंपनी बनाती है दोस्तों। इसको स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट फेस पे होने वाली प्रॉब्लम पे लगाने के लिए देते हैं टॉपिकली, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ एरिया में कई बार इस नाम से नहीं मिलती है तो आप अल्टरनेटिव ब्रांड भी ले सकते हैं सेम सब्स्टिट्यूट में, जैसे कि मेला केयर ले सकते हैं आप, अजंता फर्मा कंपनी की आती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मेला नॉर्म एमएस ले सकते हैं आप, यूनिमर कंपनी की आती है। इनके अलावा दोस्तों बहुत सारी कंपनियां बनाती है। बात करें भाई कहाँ यूज़ की जाती है, तो देखिए फेस के स्किन के ऊपर कई बार मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन काली रंग की दिखाई देने लगती है, छाया पड़ जाती है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, फोड़ा फुंसी होने लगते हैं, स्किन के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, पोरस जिसको हम कहते हैं शिबम के कारण, जिसके कारण कील मुआवजा आने लगते हैं, छोटे छोटे निशान रहते हैं। छाया की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, स्किन को लाइट करने के लिए, नेचुरल ग्लो देने के लिए इसका यूज किया जाता है फेशियल प्रॉब्लम में। बात करें मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं तीन सॉल्ट। पहला है हाइड्रोक्विनोन 2%, दूसरा है मोमेटासोन 0.1% और तीसरा है ट्रेटिनोइन 0.025%। हाइड्रोक्विनोन दोस्तों मेलानिन को बनने से कम करता है, कई बार मेलानिन के ज़्यादा बनने से स्किन ब्लैक दिखती है, छाया की प्रॉब्लम पड़ने लगती है, तो वहाँ पर काम करता है। मोमेटासोन एस्ट्रॉइड है, खुजली कम करता है, सूजन स्वेलिंग को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, अगर फेस की स्किन के ऊपर सूजन है रेडनेस है उसको कम करता है दोस्तों। ट्रेटिनोइन विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है जो कि जो छिद्र होते हैं उसको ओपन करने का काम करता है, साथ ही साथ स्किन लाइट करता है, नेचुरल ग्लो देता है और फोड़ा फुंसी में भी काम आता है। बात करें किस तरह से लगाएं, तो दोस्तों आप दिन में दो बार लगा सकते हैं सुबह शाम। अगर आप सुबह लगाते हो तो आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचना होगा, अगर आप बाहर जाते हो तो आपको एक सन प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप घर पे रहते हो तो आपको सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, या फिर आप रात को यूज कर सकते हैं। लगाने से पहले चेहरे को धोना है, 4-5 घंटे तक लगा के रखना है, उसके बाद आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, उतने ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है। साइड इफेक्ट भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि स्किन जलने लगे, बहुत ज़्यादा इचिंग चलने लगे, कील मुआवजे बढ़ जाए, स्किन लाल हो जाए, ये इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन ये हर किसी को नहीं होते, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही कम चांस में ही होते हैं। सावधानी बस यही है कि डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, प्रेगनेंसी ब्रेस्टफीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है दोस्तों। हो सकता है लगाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाए, तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ भी समझिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं।